सियानी ने कहा कि हमको पुत्र जो भी होता है मर जाता है और मेरा बहन का सभी बच्चा जीवित रह जाता है, ये कारण क्या है? दोनों दूसरा जन्म में बहन हुआ, एक जन्म में तो सियानी था एक वकील था। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि आज जितिया है और जो सभी माँ जो है अपने पुत्र पुत्री के लिए ये जो पर्व होती है इसको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, फास्टिंग करके 24 घंटा और अपने पुत्री और पुत्र की लंबी आयु के लिए ये कामना करते हैं। तो अभी हम आए हुए हैं गया जी में और यहाँ गया जी का एक पंडित जी है, उनको से हम ये कहानी जानने का कोशिश करते हैं कि जो जितिया पर्व होता है क्यों मनाया जाता है और कब से मतलब मनाया जाता है, सब क्या कहानियां हैं। तो मेरी वीडियो में कंटिन्यू बना रहिए और जितिया से रिलेटेड कहानियां और जानकारी आप प्राप्त कीजिए। तो बाबा बताइए, जितिया जो मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है, क्या इसका कहानियां है? ये पुत्रिका व्रत का कहानियां है कि सियारनी और किल दोनों सखी था जी। सखी था तो दोनों में सखी था तो सियारनी किलनी जो था और जो पुत्रिका व्रत लोग कर रहे थे स्त्री लोग वो जाके कथा सुनते थे। किन्नी सियारनी से कहा, किन्नी सियारनी से किन्नी बोला, ये सखी एक जगह कथा जो पुत्रिका व्रत कथा होता है वो कथा महात्मा है। तो सियारनी बोला कि मैं भी कथा सुनूंगा। दोनों सखी मिलकर सियारनी और किन्नी गया कथा सुनने के लिए। तो नहाय खा किया, सप्तमी को नहाय खा किया, आठवीं को सहले रहा, आठवीं को सांझ को कथा सुना जी। कथा सुनना तो कथा सुनते सुनते दोनों गोटे सहले रहा जी। लेकिन चिन्निया जो था सो कथा सुन रहा था और सियारनी जो था कथा सुनते सुनते उसको भूख लग गया। भूख लग गया तो वहां से उठा से सीधा स्मशान घाट पहुंच गया सियारनी, आ जाके कोमल कोमल मांस खाया। और चिल्ली जो था वो सुबह रात भर उपवास रहकर सुबह खनी गौशाला में जाकर दूध का पारण किया। इससे इसका दोनों बहन, एक समय की बात है कि दोनों सियारनी और चिल्ली दोनों मर गए और दोनों एक ही घर उत्तर ले लिए, दोनों बहन बन गए। तो सियारनी जो था से बड़ बहन बन गया और चिल्ली जो था से छोटा बहन बन गया। छोटा बहन बन गया तो सियारनी को हुआ बहुत बड़ा घर शादी राजा घर, और सियारनी को हुआ चिन्निया को हुआ गरीब घर। गरीब घर हुआ तो सियारनी को जो भी बाल बच्चा होता था वो सभी मरे मर जाता था और चिन्नी का जो भी बच्चा होता था सब जीवित रह जाता था। सियारनी ने कहा कि हमको पुत्र जो भी होता है से मर जाता है और मेरा बहन का सभी बच्चा जीवित रह जाता है, ये कारण क्या है? वो बहन जो सियारनी था वो अपना बहन घर खबर भेजा दिया कि अपना बच्चा के तू भेज दो, हमको देखने का मन कर रहा है। अपना बहन उसको इंसान है ये था चिल्निया बहन बना था सो वो अपना बच्चा के भेजा दिया बहन घर। बहन घर भेजा दिया तो क्या काम किया कि हमको बच्चा नहीं बचता है, इसको बच्चा कैसे बच रहा था, इसको बच्चा क्यों मार दिया जाए? यानी सियारनी चिल के बच्चा को मार, हाँ सियारनी चिल को बच्चा जो भी कहा कि हमारा बच्चा मर जाता है, इसको बच्चा कैसे जीवित रहता है, इसको बच्चा कहीं मार दिया जाए। वो सियारनी जो था अपना पति को कहा कि ये जो बच्चा आया है इसको सब को काट के बस्का में भर के और बहन घर मेरा भेजवा दो, तब मेरा आत्मा शांति होगा, नहीं तो खटवास पटवास धर लिया। जब यह बच्चा को काट के बक्सा में भर के सियारनी जब उसको माता पिता पर भेजता है तो देखता है कि बच्चा से पहले वहां जाकर माता पिता पर बच्चा खेल रहा, उसको बच्चा के काट के भर दिया बक्सा में और आज बाजार आते पर ही देख रहा हूँ आदमी जी का भेजाया तब देख रहा है कि उसको बच्चा वहाँ खेल रहा। देखा तुमको आश्चर्य हो गया, फिर अभी बच्चा के मार के काट के बक्सा में भर के लाए तो पर भी उसको बच्चा जीवित है, हम लोग का बच्चा क्या है? फिर कहा इसे कैसे हो रहा, तो फिर से खबर भेजाया कि आज हम काम कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि बच्चा को भोजन करने के लिए भेजा दो। फिर बच्चा लोग को भेजा दिया, उसको संशय है नहीं था कि हमारा बहन ऐसा काम करेगा लेकिन वो बहन जो था सो फिर बच्चा को बुलाया और कहा जाओ पहाड़ पर से इसको चढ़ा दो और पहाड़ पर से जाके इसको ढकेल दो जिसमें मर जाए। फिर ऐसे आदमी को जो दूत लोग था वो लेकर बच्चा को गया पहाड़ पर और वहां से पहाड़ पर से ही बच्चा को ठेल दिया तो मर जाएगा। तो पर वहां से ठेल के चले घर और तब भेजाता खबर की जाओ तो हमारा बहनी घर देखो कैसा है,
भेजाता खबर तो देखता है कि उसको कहीं उसको जो बालक था से फिर खेल रहा है, वहां पर से खेलने के बाद भी नहीं मरा, तो कहता है कि हम इतना कर रहे हैं तन मरने के लिए, तो पर भी नहीं मरता है, हम इतना बच्चा के लिए करते हैं, हमारा बच्चा होते होते मर जाता है, आखिर कारण क्या है। तो वो अपना बहन से बुला के पूछता है, कहा बहन तू तो एक बता, मैं तुम्हें बच्चा के लिए इतना मारने के लिए उपाय भी कर रहा हूँ, तो पर तुम्हारा बच्चा नहीं मरता है, हमारा बच्चा होते ही मर जाता, आखिर कारण क्या है। तो बोलता है चिल्लिया बहन, एक समय की बात है कि तू सियारनी था मैं चिल्ली था, दोनों बहन थे और दोनों दर्द साथ में किए, दर्द के उपवास में दोनों उपवास में रहे, नहा खा भी किए, जब उपवास हुआ कथा सुनने के लिए, कथा सुनते सुनते तुमको भूख जाग गया, तू वहां से उठा जाकर श्मशान घाट में कोमल कोमल मांस खाया और मैं वहां से उठा से रात में उपवास रहा और सुबह उठ के गौशाला में जाके दूध का पारण किया, किसी से मेरा सब जीवित पुत्र का व्रत करने से मेरा पुत्र जीवित है और तुम्हारा पुत्र जीवित व्रत नहीं किया, इसके कारण तुम्हारा पुत्र सब मर गया। ऐसा बात है बहन कि तुम अभी से भी जीव पुत्र का व्रत करो, तुम्हारा पुत्र नहीं भी है तो भी तुम जीव पुत्र का व्रत करो, तुम्हारा अभी से भी पुत्र जो होगा वो जीवित रहेगा। वही साल भर इंतजार किया चिलनिया सियरनिया और साल भर के बाद फिर भी पुत्री का घर आया, तो नहा खा किया, नहा खा करला के बाद उपवास रहा, चले रहा, सुबह उठ कर गौशाला में जाकर पारण किया, इसके प्रभाव से सियारनी भी पुत्री की पुत्रवर्ती हो गई, उसको भी पुत्र हो गया, उसी समय से भी पुत्री का व्रत होना स्टार्ट लग हो गया। प्रेम से बोलता विष्णु भगवान की जय। इस दिन कौन सा भगवान का पूजा होता है, जीतिया होता है, जो शंकर भगवान और पार्वती जी का पूजा होता है, तो अपने जो पुत्र पुत्री के जो लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है, तो क्या केवल माँ करती है, पिताजी भी कर सकते हैं? नहीं, केवल माँ करता है, पुत्र के पुत्र या पुत्री को जन्म दिया वही कर सकता है, उसको जो पुत्र का व्रत करने से उसकी आयु बढ़ जाती है, संकट भी आने वाला रहता है, संकट टल जाती है। कितना दिन मतलब फास्टिंग करना होता है, कितना दिन जैसे एक दिन फास्ट 24 घंटा एकदम बिना पानी के रहना पड़ता है, क्या विधि क्या होता है पूजा जो करने का, जो जीवित पुत्र जो वर्तिका बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब विधि होता है, किस तरह से लोग पूजा करते हैं? सप्तमी को नहाय खाय करते हैं, आठवीं को उपवास रहते हैं और नौवीं को पारण करते हैं। पूजा करने के बाद कौन सा भगवान का कथा उठा भी सुना जाता है? कथा यही कथा है, चूल्हा सियानी का कथा है, समझ गए, शंकर भगवान को कथा है, शंकर भगवान पार्वती जी को और सियारियों किल के इसमें कथा दिया है, यही कथा है शंकर भगवान को। हाँ, चिलो जो सियार थे दोनों अपना बहन थे, बहन नहीं था, दोस्त थे, दोनों दोस्त थे, दोस्त में सखी सहेली थे, दोनों दूसरा जन्म में बहन हुआ, एक जन्म में तो एक सियारनी था एक किल था और दोनों सखी था, जब सखी तो एक सखी कर रहा है जी पुत्रिका व्रत, दूसरा को बताता है कि नहीं कि हम कर रहे हैं जी पुत्रिका व्रत, तू भी करोगा, वो भी किया, लेकिन वो करला के साथ दिन भर उपवास भी रहा, लेकिन शाम कथा सुनते सुनते उसको भूख जाग गया सियारनी को, वहां से उठा श्मशान घाट जाकर कोमल कोमल मांस खाया, इसी मांस को खाने के कारण उसको जो पुत्रिका जो पुत्र होता था वो सब मर जाता था। ये तो कहानी मतलब है कि जो चील और जो सियारनी इस तरह से घटना घटा, लेकिन पूजा जो होता है किस भगवान का मतलब पूजा होता है? शंकर भगवान और पार्वती जी का होता है, शंकर भगवान और पार्वती माता का पूजा होता है उनका पूजा, और इसके बाद जिसका पूजा होता है शाम में होता है, सुबह होता है? शाम में होता है, शाम में पूजा होता है और सुबह खनी पूजा करके जितिया पहले। तो दोस्तों, आपको जो पंडित जी यहाँ पे थे उनको से जानने का कोशिश हम किया, जितिया किस तरह से मनाया जाता है, जितिया जो मनाते हैं क्या उसका कहानी था पहले, कि लोग आज जो जितना भी माँ होती है अपने पुत्र या पुत्री की लंबी आयु के लिए जो जितिया व्रत करती है वो उस दिन किस भगवान का पूजा होता है, किस तरह से होता है, तो ये हम आशा करता हूँ कि जो पंडित जी आपको जानकारी दिए बेहद ही खास जानकारी होगा। अगर ये जानकारी आप सबको पसंद आएगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हर हर महादेव, जय भोले शंकर, जय पार्वती माँ।